कठुआ हीरानगर के होल्डिंग सेंटर में बंद रोहिंग्यों ने आज एक बार फिर अपनी रिहाई की मांग को लेकर होल्डिंग सेंटर के अंदर हंगामा किया और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे रोहिंग्यों को काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मिली जानकारी के मुताबिक आज रोहिंग्यों ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए जिला कठुआ के हीरानगर में होल्डिंग सेंटर में प्रदर्शन किया और पुलिस पर पथराव किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने रोहिंग्यों को काबू करने और अपने बचाव में आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रोहिंग्यों के इस हंगामे में कई पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की भी सूचना है। इस हंगामे के बाद पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जा रही है।